तो चलिए आज मैं आपको एक नई जगह पे ले चलती हूँ। पुटकी धनबाद के बगल में झारखंड में एक जगह है भटिंडा फॉल, मैं अभी आपको वहीं ले जा रही हूँ। तो पुटकी से हम लोग अंदर मुड़ चुके हैं, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है अभी क्योंकि अचानक हमारा प्लान बन गया था। भटिंडा फॉल एक वाटरफॉल है, वो भी एक पिकनिक स्पॉट है। इस वक्त तो बहुत कम लोग जाते हैं, फिर भी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। विंटर के टाइम में आप जाओगे तो पानी वगैरह सब मिलेगा, क्योंकि वो पिकनिक स्पॉट है तो उस टाइम भीड़ वगैरह भी मिलेगा, वहाँ पे सब पिकनिक वगैरह मनाते हैं। अभी तो बहुत ही खाली और ये भी कोई बस्ती हो के गांव हो के गुजर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको भटिंडा फॉल दिखाती हूँ, आप मेरे ब्लॉग पर बने रहे। फ्रेंड इस साइड जो है ऑटो वगैरह बहुत ही कम चलता है, बस्ती तो है यहाँ पे लेकिन फिर भी विलेज वगैरह गांव वगैरह तो है लेकिन ऑटो वगैरह बहुत ही कम चलता है। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी गाड़ी से आना पड़ेगा या फिर ऑटो वगैरह रिजर्व करके ही जाना पड़ेगा। भटिंडा फॉल ये देखिए, ये बेहद ही सुंदर है अंदर। तो झारखंड में ऐसा नहीं है, विजिटिंग प्लेस नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। और ये व्यू देखिए यहाँ का बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड अगर आपको भटिंडा फॉल मेन गेट तो में ताला लगा हुआ था, साइड से रास्ता था तो हम साइड वाले रास्ते से आ गए हैं अंदर। देखते हैं यहाँ पे क्या टिकट वगैरह मिले, क्या पार्क वगैरह है यहाँ पे। यही है भटिंडा फॉल, आप आ सकते हैं यहाँ पे जय भोलेनाथ। वो वहाँ पे हमारा गाड़ी है। और तो फ्रेंड्स अभी हम लोग भटिंडा वाटरफॉल पहुँच चुके हैं, कि किनारे नहीं पहुँच चुके हैं। अब व्यू खुद अपने आंखों से देख लो, बेहद ही खूबसूरत है। ये देखो यहाँ पे आ करके आप पिकनिक मना सकते हैं, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे फ्लो। लेकिन पानी के नज़दीक बिल्कुल भी ना जाए, यहाँ बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है फ्रेंड्स, कभी भी नज़दीक ना जाए पानी के। व्यू देखिए बेहद ही खूबसूरत है। तो यही है आपका भटिंडा वाटरफॉल, ये देखिए बहुत ही सुंदर है। ये है भटिंडा वाटरफॉल जो कि कुटकी में है, झारखंड के धनबाद में कुटकी में ये भटिंडा वाटरफॉल है। एक पिकनिक स्पॉट है, आप यहाँ पे जरूर जरूर विजिट करें, बेहद ही खूबसूरत है। की आ रहा है विजिट करके उस साइड से, पानी साफ था बहुत, आज पानी बहुत गंदा है यहाँ पे। Thank you.
बठिंडा फॉल में आप पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पानी यहाँ पे मतलब पानी में उतरना ठीक नहीं है, बहुत ही खतरा है पानी के पास जाने में। आप दूर में देखिए, बैठने का बहुत सारा इंतज़ाम किया गया है और देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो आप दूर से मतलब साइड में आकर के पिकनिक मना सकते हैं। यहाँ बगल में मंदिर वगैरह है भोलेनाथ का, और ये सब देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया है। तो आप इस पिकनिक स्पॉट का मतलब आनंद लें, लेकिन यही मैं बार बार कहूँगी कि पानी में उतरने का आप लोग को जरूरत नहीं है, वाटर में बिल्कुल भी ना उतरे, वाटरफॉल में आप दूर से ही इसको एंजॉय करो। तो ये कह सकते हैं कि हमारे झारखंड में धनबाद में भी एक पिकनिक स्पॉट है जो देखने लायक जगह है। तो आप, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बोलूँगी कि आप बठिंडा वाटरफॉल जो कि पुटकी धनबाद में, ज़रूर से ज़रूर एक बार विजिट करें। ये बेहद ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही सुंदर है। ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से भी आप आ करके विजिट कीजिए, बहुत सुंदर लगेगा आपको ये वाटरफॉल। बठिंडा वाटरफॉल हम लोगों ने विजिट कर लिया है, गेट खुल गया लग रहा है क्या, देख लो एक बार। तो यही रास्ता से हम लोग आए थे शॉर्टकट, क्योंकि मेन गेट तो बंद किया हुआ था, अभी देखते हैं खुला है कि नहीं। हाँ, मेन गेट अभी खुल गया, या हमको थोड़ा थोड़ा उतार देना। ये है आपका पुटकी, ये देखिए कोयला का क्या डम, देखिए कोयला का निकालेंगे। आपको बठिंडा वाटरफॉल कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, लाइक एंड शेयर तो बिल्कुल भी करें। और अब हम लोग यहाँ से धनबाद की ओर निकल रहे हैं, जैसे कि धनबाद नाम है गोल के लिए वो फेमस है। ये देखिए ओवी डम वगैरह जो है आफ्टर एक्सट्रक्शन ऑफ गोल रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।